हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हो आप सभी? होप गाइस आप सभी लोग यहां पर सेफ होंगे। सो गाइस इस वीडियो से हमारे यहां पर कम्पेटिटिव से रिलेटेड गाइड्स एंड टिप्स की वीडियोस आए करेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब जो भी है। एंड अगर गाइस आप लोग को किसी कम्पेटिटिव से रिलेटेड किसी टॉपिक पर यहां पर गाइड या फिर टिप चाहिए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में यहां पर सजेस्ट कर सकते हो। एनीवेज गाइस कमिंग बैक टू द वीडियो, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आप लोग को कम्पेटिटिव स्क्रीम्स में एग्रेसिव खेलना चाहिए या फिर पैसिव खेलना चाहिए, विच गेम स्टाइल इज बेटर एंड मतलब कौन सा आप लोग को यहाँ पे खेलना चाहिए, क्या दोनों सेम ही हैं, ठीक है ध्यान से क्या दोनों सेम है या फिर कौन कोई मतलब गेम स्टाइल यहाँ पे अच्छा है। एंड साथ ही साथ बताऊंगा कि दोनों के एग्रेसिव एंड पैसिव गेम स्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। साथ ही साथ अगर आप लोग को एग्रेसिव से पैसिव होना है आपकी टीम को या फिर आपके गेम स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना है आप लोग को एग्रेसिव से पैसिव या फिर पैसिव से एग्रेसिव, तो उसकी भी कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे माइनर टिप्स देने वाला हूँ। एनीवेज गाइज ये वाली वीडियो मतलब डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो गाइज अगर आप लोग को वीडियो यहाँ पे जेनुअनली अच्छी लगे सो गाइज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो वैसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड या गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइज हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो आपका गाइज यहाँ पे यूजुअल गेम स्टाइल होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइक आपने माइंडसेट में नहीं रखा है कि भाई एग्रेसिव खेलना है या फिर पैसिव, तो उस केस में आपका गेम स्टाइल देखो डिपेंड करता है कि आप लोग की टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा है, आप लोग कैसे खेलते हो, लाइक आपकी गन पावर क्या है एंड आप कितने टाइम से गेम को खेल रहे हो, लाइक कितना टाइम हो चुका है आपको गेम को स्टार्ट करते हुए, नॉट दैट स्क्रीम या फिर वो मैच को कितनी देर से खेल रहे हो, लाइक आप गेम को कितनी देर से समझ रहे हो, समझ गए ना। तो गाइज इस चीज़ पे आप लोग का यूजुअल लाइक माइंडसेट नहीं रखोगे कैसे खेलना है तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप एग्रेसिव खेलते हो या फिर पैसिव। एंड हम बात करते हैं अब एग्रेसिव और पैसिव होता क्या है, मतलब थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे क्विक ओवरव्यू देता हूँ जिन लोग को नहीं पता है। एग्रेसिव देखो मतलब कैसा होता है ना कि सबसे मेन चीज़ तो ये रहती है कि आप ज़्यादातर सेंटर ऑफ द जोन प्रेफर करते हो एंड वेयर एज इन पैसिव आप थोड़ा एज पे या फिर 30-40% आप यहाँ पे प्रेफर करते हो जोन में जाना, लाइक सेंटर में नहीं जाते, एज वगैरह पे खेलना प्रेफर करते हो। एग्रेसिव में आप लाइक इंस्टेंट पुश करते हो, जैसे नॉक हुआ एक प्लेयर भी नॉक हो गया ना भाई तो इंस्टेंट पुश कर देते हो। पैसिव में क्या रहता है भाई एक बार नॉक कर लिया तो मतलब थोड़ा सा लाइक माइंडसेट ऐसा रहता है कि भाई दो तीन बार और नॉक कर देते हैं, उनके हेलमेट वेस्ट थोड़ा और यहाँ पर बेकार कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं एंड उसके बाद पुश करेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं लाइक थोड़ा रश टाइप खेलना। लाइक यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, हम बात कर रहे हैं कम्पिटिटिव की तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एग्रेसिव खेल रहे हो तो भाई क्लासिक की तरह खेलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को यहाँ पे क्लासिक की तरह तो भाई बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है वो, कुछ भी हो केवल क्लासिक्स में क्लासिक की तरह खेलना है, ठीक है, और कहीं पर आप लोग को कम्पिटिटिव में नहीं खेलना है क्लासिक्स की तरह, क्योंकि भाई वो चीज़ यहाँ पे सूट ही नहीं करती है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोग को यहाँ पे बेसिक सा आइडिया दे दिया कैसे चीज़ें होता है, लाइक इंस्टेंट पुश करना, जोन के सेंटर में खेलना एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आप लोग के गेम स्टाइल में, क्योंकि देखो यार सबका गेम प्ले सबका गेम स्टाइल वैरी करता है एंड यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, लाइक आप ऐसे कुछ गेम आपका गेम स्टाइल ऐसा हो, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो आप लाइक अपने मैच में जो कोई भी टीम ना करती हो एंड हो सकता है वो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट कर रही हो या फिर वो एक डिसएडवांटेज हो, तो यार ये डिपेंड करता है एंड इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि यार जैसे कि मैंने बताया कि भाई वैरी करता है सबका गेम प्ले, ठीक है। तो अब गाइज हमारा ओवरव्यू हो चुका है, अब यार देखो मैं आप लोग को यहाँ पे अपना ओपिनियन देता हूँ कि आप लोग को एग्रेसिव खेलना चाहिए या फिर पैसिव खेलना चाहिए, लाइक कौन सा अच्छा होता है। तो यार यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि एग्रेसिव भी अच्छा है पैसिव भी अच्छा है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि यार बेनिफिट्स दोनों के हैं एंड कॉन्स भी दोनों के हैं, लाइक डिसएडवांटेजेस भी दोनों की है एंड यार ये चीज़ है ना कि इसका आंसर अगर आप मेरे से पूछो तो डिपेंड करता है भाई कि लाइक स्क्रीम्स खेल रहे हो, टूर्नामेंट खेल रहे हो, कौन से टायर की स्क्रीम्स है, टूर्नामेंट्स किस टाइप का है, टूर्नामेंट की स्टेज कौन सी है, लाइक क्वालिफायर्स या फिर क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, तो डिपेंड करता है। अब यार ये चीज़ ध्यान रखो कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव खेलो, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसिव भी खेलो, ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर आप एग्रेसिव खेलते हो या फिर पैसिव खेलते हो तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को गाइज इतना देखना है कि एग्रेसिव खेल के अगर आप लोग को यहाँ पे गेम अच्छा जा रहा है, आप लोग के मैचेस अच्छे जा रहे हैं तो भाई अच्छा है, कोई आप लोग को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है गेम स्टाइल में। वेयर एज अगर यार गेम में इशू आ रहे हैं एग्रेसिव से तो थोड़ा पैसिव खेलना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि एग्रेसिव से एकदम पैसिव आ जाओ, लाइक पहले आप पुल इंस्टेंट पुश करके खेलते थे तो भाई एकदम से कैंप करो, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे चेंज करो। बट मेन चीज़ यही है कि आप लोग को उस गेम स्टाइल को प्रेफर करना है जिससे आप लोग का यहाँ पे गेम अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा,
यार ट्राई दोनों चीज़ें करना, ठीक है, एग्रेसिव भी खेल कर देखना, पैसिव भी, एंड उसके बाद देखना कि भाई किस में मैचेस अच्छे जाते हैं, और लाइक एक एक विकेट ट्राई करते हो आप दोनों गेम स्टाइल खेल के, एंड उसके बाद जो भी आप लोग को अच्छा लगे, जिसमें लाइक आपको अच्छा लगे कि भाई मैचेस अच्छे जा रहे हैं एंड परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आ रही है मतलब दूसरे गेम स्टाइल से, तो गाइज फिर वो आप लोग को यहाँ पे रखना है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया यार ये चीज़ डिपेंड करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी स्क्रिम्स में एग्रेसिव, लाइक आपने टेस्ट किया एक वीक खेल के एग्रेसिव, आप लोग को एग्रेसिव अच्छा लगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में, हर स्क्रिम्स में, हर टूर्नामेंट में एग्रेसिव खेलोगे, ये चीज़ डिपेंड करती है। या आप लोग, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कब आप लोग को एग्रेसिव एंड कब पैसिव खेलना है। अब गाइस बात करते हैं एग्रेसिव एंड पैसिव के प्रोज एंड कॉन्स की। सो गाइस यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा यार। गाइस मैंने आप लोग को बताया एग्रेसिव या फिर पैसिव खेलना डिपेंड करता है आप लोग की टीम पे, बट गाइस जो चीज़ एक्चुअली में मैटर करती है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किल्स लेना गेम में, वो स्क्रिम्स या फिर टूर्नामेंट का मैच हो सकता है, एंड उसके साथ एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करना लीडर बोर्ड पे। अब देखो इस स्क्रिम्स हम किस चीज़ के लिए खेलते हैं, अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, लाइक न्यू स्ट्रेटजीज ट्राई करने के लिए, गेम इम्प्रूव करने के लिए, एंड टूर्नामेंट हम जब खेलते हैं एंड जब क्वालिफाई करते हैं बेसिकली। अगर हम लोग को देखो टूर्नामेंट में विन करना है, टूर्नामेंट को जीतना है या फिर बिल्कुल फाइनल सेमीफाइनल्स में जाना है, तो उस टाइम हमें काफ़ी टाइम हो चुका होना चाहिए स्क्रिम्स खेलते हुए, समझ रहे हो ना। टूर्नामेंट जीतना लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक महीना अपने स्क्रिम्स के लिए जस्ट स्टार्ट किया एंड टूर्नामेंट आप जीत जाओगे, नहीं यार, एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि स्क्रिम्स में आप अपना प्रैक्टिस करो, न्यू स्ट्रैटेजीज ट्राई करो, गेम स्टाइल ट्राई करो, एग्रेसिव पैसिव दोनों। एंड यहाँ पे आप लोग को याद रखना है चीज़, टूर्नामेंट्स में यार थोड़ा किल्स को प्रायोरिटी देना, एंड ऑब्वियस यार आप लोग की पोजीशन मैटर करेगी, एंड अच्छे मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किल्स है गेम में, एंड उसके बाद पोजीशन भी अच्छी है, तो यार इजीली क्वालिफाई हो जाओगे कोई भी टूर्नामेंट हो। बट यार जैसा कि मैंने बताया एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करता है। अब गाइस बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो एग्रेसिव खेलने की, एग्रेसिव गेम स्टाइल की जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है यार, एग्रेसिव आप लोग का यहाँ पे जो गन पावर है वो इम्प्रूव कर देता है। लाइक मैं इसको पहले भी इंक्लूड कर चुका हूँ वीडियो में, एंड ये चीज़ एक्चुअली मैटर करती है, फैक्ट आप इसको बोल सकते हो, बट यार ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। ये चीज़ उन टीम्स के लिए है जिन टीम्स की गन पावर नॉर्मल है, एवरेज है, एंड जो टीम्स यहाँ पे लाइक ये मैं अभी पैसिव के एडवांटेज में चीज़ इंक्लूड करूँगा, तो जिन टीम्स की यहाँ पर गन पावर नॉर्मल है या फिर एवरेज है, तो वो टीम्स को यहाँ पे एग्रेसिव खेलना चाहिए यार, मैं अपना ओपिनियन आप बोल सकते हो, क्योंकि यार अगर गन पावर इम्प्रूव करनी है तो यार एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब गाइस बात करते हैं पैसिव के एडवांटेज। पैसिव यार देखो, पैसिव खेलना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा, अगर आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेल रहे हो या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ टूर्नामेंट्स खेलते हुए, ठीक है यार, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, टूर्नामेंट खेलना, स्क्रिम खेलना, भाई कन्फ्यूजन हो रहा है, बट यार थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। अब देखो कोई मतलब बहुत ही लाइक बोल सकते हो, अगर आप एक मतलब अंडरडॉग टीम हो एंड आपने किसी ऐसे टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया जहाँ पे T1 टीम्स है, तो वहाँ पे आप लोग को पैसिव खेलना पड़ेगा, क्योंकि यार सोच के देखो ना, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ऑब्वियसली यार T1 टीम्स की गन पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है, हो सकता है आपकी टीम की भी अच्छी हो, बट यार उनके पास एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो बड़े टूर्नामेंट्स में लाइक एकदम मच्छे वाले टूर्नामेंट्स में आप लोग को यहाँ पे पैसिव खेलना बेनिफिशियल हो सकता है, एंड उसी के साथ पैसिव उन टीम्स को डेफिनेटली खेलना चाहिए जो टीम्स यहाँ पर जस्ट कॉम्पिटिटिव को स्टार्ट करती है, मतलब जिनका फर्स्ट टाइम है, मतलब भाई पहले ही मैच खेल रहे हैं कॉम्पिटिटिव का, तो उनको यहाँ पर डेफिनेटली पैसिव खेलना चाहिए। एंड एक महीने बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद जब आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फाइट्स वगैरह कैसे लेनी है, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली आप लोग को यहाँ पे एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि यार अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है, पता चल चुका है कैसे रहता है स्क्रिम्स में, कैसे रोटेशन वगैरह, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो अब गन पावर भी तो इम्प्रूव करनी है, एंड गन पावर इम्प्रूव करने के लिए एग्रेसिव खेलना आई थिंक बेस्ट चीज़ है। आई डोंट नो लाइक आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं, बट यार ये चीज़ मैंने अपनी टीम के साथ ट्राई करी है और ये चीज़ मैटर करती है। बट यार याद रखना, अगर आप लोग की गन पावर नॉर्मल और एवरेज है तो ही यार ट्राई करना एग्रेसिव खेलना, अगर बिलो एवरेज है तो पहले थोड़ा पैसिव खेलो, थोड़ा मतलब इंडिविजुअल ट्रेनिंग करो, एंड उसके बाद अपना जो है एग्रेसिव खेलो। अब बात करते हैं कुछ माइनर डिसएडवांटेज के बारे में। सो गाइस ऐसे कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है, बट चलो यार मैं बताने तो है भाई, एग्रेसिव खेलने का जो ओनली डिसएडवांटेज यार मुझे लगता है वो है कि आप हर मैच में, हर कॉम्पिटिटिव के मैच में, स्क्रिम्स या फिर टूर्नामेंट्स हैं भाई, हर सिंगल मैच में आप एग्रेसिव नहीं खेल सकते, आप लोग को कभी कभी चेंज करना पड़ेगा। हाई लेवल टूर्नामेंट्स वगैरह में मतलब जैसे कि भाई बताया डिपेंड करता है भाई, हर मैच में तो आप एग्रेसिव खेल ही नहीं सकते। अब बात करते हैं पैसिव की डिसएडवांटेज की, यार मतलब इससे तो एक ही इशू रहता है जो मेरे को लगता है, आप लोग की गन पावर बिल्कुल लाइक नेग्लिजिबल इंप्रूव होगी। एंड एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, पैसिव की एक बहुत ही सॉलिड यहाँ पे प्लस पॉइंट है,
सपोज करके देखो लाइक आप किसी कंपाउंड में होल्ड करते हो जोन के 20 या फिर 30 पार्ट में, आप परसेंट पार्ट में आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई कंपाउंड है, आपकी टीम ने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हम जब भी इस कंपाउंड में होल्ड करते हैं तो कोई ना कोई टीम आसपास से रोटेशंस करती ही है, बिल्कुल कंपाउंड के आसपास से रोटेशंस करती है, तो गाइज आप उस केस में अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो उसी हिसाब से, एंड उसके बाद आप बोल सकते हो किसी टीम मेंबर को कि भाई आप इधर हो जाओ एंड हम कार को जो है पास आउट होने ही नहीं देंगे, स्प्रे डाउन कर देंगे, एंड ऐसे ही भाई आप लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेम की नॉलेज होती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है पैसिव खेलने की, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आप लोग को एग्रेसिव से पैसिव खेलना इश्यूज आ रहे हैं तो उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ, एंड अगर आप लोग को यहाँ पे पैसिव से एग्रेसिव खेलना है लाइक बिगनर्स के लिए तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी सिंपल है, अगर आप लोग को एग्रेसिव से या पैसिव पे ट्रांसफॉर्म करना है गेम स्टाइल को, वैसे यार आई डोंट थिंक किसी को मतलब ये चीज़ बताने की नीड है कि लाइक कोई नहीं करेगा भाई एग्रेसिव से पैसिव, एग्रेसिव इज लाइक अ गुड थिंग, अ गुड गेम स्टाइल, तो बट फिर भी बता देते हैं, अगर आप लाइक जोन के 50% बिल्कुल सेंटर में खेलते हो तो भाई जो है ट्राई करो थोड़ा 40-30% जोन में खेलो, एंड उसके बाद अगर इंस्टेंट पुश पे एक नॉक होते ही पुश कर देते हो इंस्टेंटली तो 2 या 3 या फिर 4 नॉक पे पुश करो, मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँगा 3 नॉक पे पुश कर दो, 4 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा भाई, 2 या 3 पे पुश कर दो, एंड उसके बाद यार यही है, मतलब ज़्यादा बताने वाला तो है नहीं इसमें, मतलब करेगा नहीं भाई कोई एग्रेसिव से पैसिव स्विच। एंड अगर कहीं आप पैसिव से एग्रेसिव पे स्विच करोगे तो मैंने आप लोग को बताया पहली जो काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है आप लोग की यहाँ पे टीम की गन पावर एवरेज या फिर नॉर्मल गन पावर होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए भाई मतलब फाइट लेने के लिए। अब गाइस बात करते हैं अब आप लोग को क्या आगे क्या करना है, एक तो गाइस थोड़ा सेंटर में नहीं खेलना, एकदम डायरेक्ट एकदम सेंटर में खेलोगे तो भाई गेम ख़राब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग को जोन के अंदर जाना ट्राई करना है, एंड एकदम से नहीं जाना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया फर्स्ट मैच लाइक थोड़ा सा जोन के अंदर जाओ फिर थोड़ा, एंड ऐसे कर करके आप थोड़ा सेंटर भी ट्राई करो, एंड उसके बाद अगर सेंटर में इंस्टेंटली इशू आ रहा है तो फिर से थोड़ा पीछे आ जाओ जोन में, एंड ऐसे आप लोग ट्राई करो, उसके बाद अगर एक मतलब पहले अगर आप 3-4 नॉक पे पुश कर देते तो अब मैक्स टू मैक्स 1 या फिर मैक्स टू मैक्स 2 पे आप लोग को यहाँ पे पुश कर देना है, तो ये चीज़ मैटर करती है भाई, मैंने आप लोग को बता दिया, एंड आई थिंक यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यार, जितनी भी टिप्स मैं शेयर करता हूँ ना इस वीडियो की एंड बाकी वीडियोस की भी यार, वो चीज़ें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन द सेंस वो चीज़ें मैंने ट्राई करी है गेम अपनी टीम के साथ, हालांकि मैंने अब कॉम्पिटिटिव को लीव कर दिया, बट जितनी नॉलेज मुझे मिली है मैं ट्राई करता हूँ शेयर करूँ, एंड यार रियली सॉरी अगर कोई भी मेरी टिप्स से डिसएग्री करता है तो गाइज अपोलोजाइज, एंड यस गाइज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है गाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप लोग को मैं ट्राई करूँगा कि डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, कॉम्पिटिटिव सेलेक्टिव भाई मतलब कोई भी रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव सेलेक्टिव कोई भी टिप्स या फिर कुछ भी अगर इशू है तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्यूशन दे दूँ। सो यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर सकते हो यार, मतलब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई बट आई थिंक यार वीडियो एक्चुअली में हेल्पफुल है भाई, ठीक है। सो यार गाइस सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो, ओके गाइस तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस गाइस पीस आउट, और हाँ यार स्टे सेफ। Of growing older, chip all on my shoulder. Told myself I'm never looking back, and now I'm cold and dissonant. I'm losing my innocence.